पता है कि 2 तारीख देर रात नया शहर थाना इलाके में एक व्यापारी से जो सोने की टेस्टिंग, सोने और चांदी की टेस्टिंग करते थे, वो जब अपने शॉप से अपने घर पे जा रहे थे कुछ सामान लेकर, जिसमें उन्होंने लगभग 700 ग्राम सोना जो कि मिक्स क्वांटिटी का था और 20 से 25 किलो मिक्स क्वांटिटी की चांदी का उल्लेख किया। 3 लोगों ने आकर उनसे वो जो उनका बैग था वो छीन कर फरार हो गए थे और उनके साथ वहाँ पे मारपीट करके भाग गए थे। इस तरीके की रिपोर्ट और सूचना नया शहर थाने को मिली। तुरंत सीओ एडिशनल एसपी सिटी दीपक शर्मा, सीओ सिटी श्रवण, एसएचओ कोडगेट मनोज जी, एसएचओ नया शहर विक्रम, एसएचओ मुक्ता प्रसाद धीरेन्द्र, एसएचओ कोतवाली परमेश्वर, डीएसटी और साइबर की हमारी टीम, इन सब ने मिलकर प्रॉपर कार्रवाई करते हुए इस पूरे लूट का तुरंत खुलासा किया। अथक प्रयासों से टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इस पूरी लूट की घटना करने में और जो बाकी लोगों का भी जो सहयोग था उसको करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन 7 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। लक्ष्मी नारायण उर्फ राजा सोनी, नारायण सोनी, विवेक सोनी, मनोज, राकेश, दिनेश और शेख अमीरुल हुसैन। तो ये 7ों जो हैं वो इस पूरी घटना में शामिल थे। जो एक्चुअल घटना लूट की थी वो मनोज, राकेश और दिनेश ने की थी एक वाइट स्कूटी पे। उसकी पूरी प्लानिंग इन सब ने मिलकर, जिसमें राजा सोनी उर्फ लक्ष्मी नारायण सोनी, नारायण, विवेक, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। और मौके से जब परिवादी अपना सामान लेकर निकला उसकी रेकी करने में ये शेख अमीरुल बंगाली जो है वो रेकी करने में इन्वॉल्व था। इन सभी को तुरंत कुछ ही घंटों में राउंड अप कर लिया गया था और अब गिरफ्तार करके आज न्यायालय के सामने पेश करके इनका रिमांड लिया गया है। उम्मीद है कि क्योंकि जल्दी ये सभी गिरफ्त में आ गए हैं तो हम जल्दी इनको, इनसे जो बरामदगी है वो करेंगे। ये मुकदमा नए क्रिमिनल एक्ट, जो लॉज हमारे कानून लागू हुए हैं 1 तारीख से, उनकी धाराओं में दर्ज किया गया है और इसमें बीएनएस की धारा 115 सबसेक्शन 2, बीएनएस की धारा 126 सबसेक्शन 2 और बीएनएस की धारा 309 सबसेक्शन 6 में इस एफआईआर को दर्ज किया गया था। क्योंकि पहले परिवादी ने केवल 3 व्यक्तियों का इसमें इन्वॉल्व होना बताया था, लेकिन दौराने अनुसंधान और इनको जब राउंड अप किया गया तो इनसे जब पूछताछ की गई तो बाकी लोगों के भी नाम जैसे सामने आए, तो लगभग अभी इसमें कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये धाराएं चेंज होकर डकैती की धाराओं में आ जाएंगी और इनका चालान करके इनसे अब पीसी रिमांड पे जब इनको लिया गया तब रिकवरी के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। किस तरह से हुआ, लूट करके कहां भागे, कोई इसका पीछे कोई और? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ से सामने आया है वो ये है कि ये जो लक्ष्मी नारायण सोनी है इसकी भी सोने की दुकान आसपास ही इसके मामा की दुकान है जो ये करता है। नारायण जो है वो इसका मामा ही है और जो परिवादी है और इसकी दुकान आमने सामने या पास में ही है और कंपटीशन के तहत या क्योंकि इसका काम ज़्यादा बढ़ रहा था परिवादी का, तो इन लोगों ने प्लान किया कि इसको इस तरीके से हम लूटेंगे या ठगेंगे। और इन 3 लड़कों को, जिनको जो स्कूटी पे जाके जिन्होंने एक्चुअल लूट की थी, उन 3ों को इन्होंने रोप इन किया और उसके बाद ये खुद भी इन्वॉल्व थे रेकी करने में, पूरी प्लानिंग करने में। वहाँ से जब ये 3 अपनी स्कूटी छोड़ के भागे तब भी इन 3ों लोगों ने, इन सभी लोगों ने इनको भगाने में भी वहाँ पे इनकी मदद की और पहले से ही चौराहे पे एक दूसरी गाड़ी में इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो जब ये भाग के आए तो इनको वहाँ से इन्होंने उठा के दूसरी जगह पे ले गए। इसमें मुख्य जो भूमिका है वो हमारे साइबर और डीएसटी के बच्चों की रही है और साथ ही साथ एसएचओ कोटगेट मनोज जी और एसएचओ कोतवाली और एसएचओ मुक्ता प्रसाद की एक्टिव कार्यप्रणाली की वजह से हम इनको ढूंढ पाए। जो स्कूटी मौके पर बरामद हुई उससे एक, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू स्कूटी थी तो कंपनी वालों से उसका पता चला कि किसके नाम पे थी और उसके बाद आगे से आगे कड़ी जोड़ते करके बहुत मुश्किल टेरेन में ये लोग भाग रहे थे गाड़ी छोड़ कर भी, तब भी इनको लगातार पीछा करके पकड़ा गया। पूरी कार्रवाई कितनी देर में हो गई, कितने घंटे में अपने इनको? जो कुछ लोगों को जल्दी
राउंड अप कर लिया गया था अर्ली मॉर्निंग अगले दिन घटना में, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, और जो बाकी इनके साथी थे उनको उनकी पूछताछ के बाद तो लगभग सभी को हमने अराउंड 18 से 19 घंटे के भीतर सभी को राउंड अप कर लिया था और इनसे पूछताछ करके कड़ी से कड़ी जोड़ के इनको अब गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है, जिससे न्यायालय से इनकी पुलिस रिमांड पर इनको लिया गया। लोकेशन क्या? क्लियरली तो ये लोग जो नारायण सोनी है उसका घर मेघासर करके गांव है गजनेर में, वहां पर ये लोग पहले भागे हैं। तो यहाँ से लूट की घटना करने के बाद ये वहां भागे हैं और वहां से फिर ये आगे ग्रामीण इलाके में भागे थे। तो मेघासर तक हम पहुंचे इनका पीछा करते हुए और उसके बाद आगे से आगे कड़ी जोड़ते गए इनको पकड़ा। इनमें से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का पीछे से बता? इनमें से दो लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और बाकी लोगों का भी आम शौहरत ऐसी बताई गई है कि उतनी अच्छी नहीं नहीं है। स्कूटी जिसके नाम पे है उस वो व्यक्ति भी खुद इसमें इन्वॉल्व है। स्कूटी लक्ष्मी नारायण सोनी के नाम पे है जो कि इस पूरे प्रकरण में खुद भी इन्वॉल्व है, प्लानिंग में इन्वॉल्व है और मुलजिम है। माल की बरामदगी जैसे जैसे होगी, इनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ये पता चलेगा। बट जो परिवादी है उसने कुछ साक्ष्य दिए हैं, उसका ये कहना है कि जो लूटा गया सामान है उसी के अंदर उसकी बिल विल भी पर्चियां भी कटी हुई रखी हुई हैं, तो उससे ये चीज़ तायद हो जाएगी कि कितना सामान था। और एक बार बरामदगी होकर हम आपको जैसे भी होती है वो अलग से बता देंगे। पूछताछ जैसे इनसे करेंगे, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया क्योंकि जल्दी पकड़ में आए तो खुद करने का समय नहीं मिला होगा, तो हमें उम्मीद है कि हम लगभग सारा माल बरामद कर लेंगे।